हाँ, आपने सही सुना। हम आज 15 मिनट के अंदर कैपिटल गेन को कंप्लीट रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 45, एनी प्रॉफिट और गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। तो सबसे पहले हम इसमें तीन चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर, कैपिटल एसेट्स और चार्जेबल। तो यहाँ पे इन तीनों का डेफिनेशन तथा इन तीनों की एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटल गेन के लिए, और अगर आपको ये तीनों आता है तो आप कैपिटल गेन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चार्जेबिलिटी के ऊपर देखते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है। चार्जेबिलिटी यानी यहाँ पे बताया गया है कि ईयर इन विच ट्रांसफर टू प्लेस, यानी कैपिटल गेन यहाँ चार्जेबल होगा, लेकिन चार्ज सिचुएशन में वो इसके एक्सेप्शन दिए हुए हैं। पहला 45(1)(a) यानी इंश्योरेंस कंपनसेशन जब हमें रिसीव होता है। दूसरा 45(5) कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, जब गवर्नमेंट के द्वारा कंपलसरी एक्विजिशन कर लिया जाता है तो, और 45(2) कन्वर्जेशन इनटू स्टॉक इन ट्रेड। इन तीनों सिचुएशन में कब हमें चार्जेबल होगा, जब हमारा रिसीव होगा पैसा। इसके अलावा जब रीडेवलपमेंट राइट हम सेल करते हैं, यानी हमने जो लैंड है वो सेल की है फॉर रीडेवलपमेंट, तो जब भी हमारे पास, जब भी डेवलपर के पास जो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन रिसीव होगा वो तभी से हम चार्जेबल मानेंगे। उसके बाद है कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट यानी कि क्या, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, चाहे वो हेल्ड बाय एसएससी, लेकिन चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो इंटेंजिबल हो, चाहे वो टेंजिबल हो, या फिर वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, लेकिन हमें क्या क्या एक्सक्लूड करना है ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि ये पीजीबीपी में चला जाता है। लेकिन उसमें हमें इंक्लूड करना है ये 6 बातें, कौन कौन सी, जब पास ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्रॉइंग, पेंटिंग, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड स्कल्पचर, रूरल एरिया एग्रीकल्चर लैंड एंड गोल्ड बॉन्ड 1999, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 2015। अब हम बात करते हैं ट्रांसफर की। ट्रांसफर में क्या क्या इंक्लूड किया गया है वो देखते हैं। सेल, एक्सचेंज, रियल इन्वेस्टमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपलसरी एक्विजिशन, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक एंड ट्रेड, पजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ एन्जॉयमेंट, रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन है पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, यहाँ एचयूएफ से मेंबर में एसेट ट्रांसफर होती है। गिफ्ट, विल, इरोवोकेबल ट्रस्ट, उसके अलावा अमलगमेशन, फॉर दीज होल्डिंग टू सब्सिडरी, जहाँ इंडियन कंपनी होनी चाहिए सब्सिडरी, 100% होनी चाहिए क्या सब्सिडरी, सब्सिडरी टू होल्डिंग, यहाँ पर होल्डिंग कंपनी जो है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। 6 to 13 हम मर्जर्स में हैं तो हम वो बाद में देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। उसके बाद में आता है 14 नंबर पे GDR और बॉन्ड, जो कि नॉन रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंट्री के अंदर ट्रांसफर करते हैं, या फिर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, जो कि नॉन रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट ट्रांसफर होता है, या फिर GDR बॉन्ड, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, या कोई भी डेरिवेटिव जो कि रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, जो कि आईएफएससी में है वहाँ पे उसको कंसीडरेशन फॉरेन कंपनी में मिलता है, उसे भी हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, या फिर रिडेम्पशन ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये भी हमारा ट्रांसफर की डेफिनेशन से एक्सक्लूड होता है। ड्रॉइंग, वर्क ऑफ आर्ट, ETC, ये सारे अगर हम गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी या किसी नेशनल म्यूजियम को देते हैं तो वो भी ट्रांसफर की डेफिनेशन से एक्सक्लूड होता है। 20 पॉइंट हमारा है कन्वर्जेशन ऑफ बॉन्ड, डिवेंचर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट इनटू शेयर्स, या फिर हम प्रिफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करते हैं। लैंड बाई सिक कंपनी, यानी अगर कोई भी लैंड ट्रांसफर की जाती है सिक कंपनी के द्वारा तो वो भी एक्सक्लूड होती है। उसके अलावा मेंबरशिप राइट, शेयर इन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, जब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो मेंबर्स थे, जब स्टॉक एक्सचेंज का कॉर्पोराइटाइजेशन हुआ तो वहाँ पे मेंबरशिप राइट को कन्वर्ट करके उनको शेयर्स दिए गए, और ये भी हम ट्रांसफर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। चलिए आगे देखते हैं ट्रांसफर की डेफिनेशन में और क्या क्या इंक्लूड नहीं है। स्टॉक लैंडिंग, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के अंदर जो आपने ऐसे ट्रांसफर किया वो, प्रोप्राइटरी कंसर्न से अगर आप कंपनी बनते हो और वहाँ पर अगर आप कोई भी ऐसे ट्रांसफर करते हो तो वो भी इंक्लूड नहीं है। पार्टनरशिप फर्म से कंपनी में अगर आप कोई ट्रांसफर करते हो, या प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी अगर LLP में कन्वर्ट होती है और वहाँ अगर कोई ऐसे ट्रांसफर होती है, वो भी ट्रांसफर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं है। कंसोलिडेशन ऑफ स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड, और यहाँ पे कंसोलिडेशन ऑफ प्लान ऑफ म्यूचुअल फंड, ठीक है, ये भी इंक्लूड नहीं होता है। उसके बाद में हम आज देखने वाले हैं मर्जर का, हम और देख लेते हैं कि अमलगमेशन और मर्जर में क्या रहता है। तो देखिए, अगर जो एसेट ट्रांसफर होती है वो अगर बैंकिंग कंपनी की है तो 7 और 10 पॉइंट के अंदर इंक्लूड रहता है, यानी कोई भी एसेट ट्रांसफर की बैंकिंग कंपनी की या शेयर होल्डर के द्वारा जो ट्रांसफर किए गए हैं वो इंक्लूड रहते हैं।
इसके अलावा शेयर ट्रांसफ़र, यहाँ पे दो सिचुएशन है, इंडियन कंपनी के शेयर फॉरेन कंपनी के द्वारा ट्रांसफ़र किए जाए या फॉरेन कंपनी के शेयर इंडियन कंपनी के द्वारा ट्रांसफ़र किए जाए। जहाँ इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी के शेयर ट्रांसफ़र कर रही है इन द स्कीम ऑफ अमलगमेशन ऑफ मर्जर, वहाँ पे 6 और 11 अमलगमेशन में 11, तो ये कोई सबसेक्शन नहीं है, मैं इसमें पॉइंट बता रहा हूँ कि 7.8 पॉइंट है ना, 6.7, 8, 9, 10 है ना, तो इस तरीके से आप पॉइंट याद कर सकते हो कि ठीक है आपको बस 30 पॉइंट्स याद करने हैं तो ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारा आता है कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन में सेक्शन 48 का रोल आता है। सेक्शन 48 बोलती है कि आपको कंप्यूटेशन किस तरीके से करनी है। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, उसके बाद में ट्रांसफर एक्सपेंस, हमारा आ जाएगा नेट कंसीडरेशन जिसमें हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को डिडक्ट करना है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को डिडक्ट करना है, और उसके बाद में हमारा आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद हम उसमें कोई भी डिडक्शन है वो रिड्यूस करके टैक्स जो जिस पर टैक्स लगेगा वो आ जाएगी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, उसके बाद में हम इसके कुछ प्रोविजो है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला प्रोविजो आता है नॉन रेजिडेंट जिसने शेयर या डिबेंचर इंडियन कंपनी के खरीदे हैं और फॉरेन करेंसी में जिसने खरीद ट्रांसफ़र किए हैं और उसका कंसीडरेशन अगर फॉरेन करेंसी में रिसीव हुआ है तो कैपिटल गेन भी हम फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम उसे क्या करेंगे इंडियन कंपनी में इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर देंगे। कोई भी अगर इंडेक्स जो कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के लिए। उसके बाद है फर्स्ट और सेकंड प्रोवाइज जो एप्लीकेबल नहीं है, जहां 112A लगती है। 112A 3 एसेट्स में लगती है, इक्विटी शेयर, यूटीआई और म्यूचुअल फंड। ठीक है, उसके बाद आता है बॉन्ड और डिबेंचर के अंदर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, केवल दो को छोड़कर जो कि है कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और गोल्ड बॉन्ड इश्यूड बाई RBI। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन में अगर आपको कोई भी गेन होता है तो जो कि रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड के ऊपर अगर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन पे अगर आपको गेन होता है उसे हम इग्नोर कर देंगे। सिक्स मैंने लिखा नहीं है, आप देख लेना। उसके बाद में है STT नॉट अलाउड, यानी STT को हम ट्रांसफर एक्सपेंसेस में अलाउ नहीं करेंगे। अब हम इसमें कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं जो कि आपको थोड़े से परेशान कर सकते हैं। पहला आता है स्लम सेल। स्लम सेल के अंदर सिंपल है, आपको जो भी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन दी हुई है वो लेना है और ट्रांसफर एक्सपेंस लेना है। उसके बाद आपका नेट कंसीडरेशन आ जाएगा, इसमें से आपको नेटवर्थ रिड्यूस करनी है और नेटवर्थ हमें कैसे रिड्यूस करनी है, एसेट को लेना है बुक वैल्यू पे और जिस पे डेप्रिसिएशन लगना है वहाँ पे हम WDV ले लेंगे। हालांकि WDV भी जो बुक वैल्यू होती है वही, हाँ WDV इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार लेनी है। ठीक है, उसके बाद आता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी आपको लेनी है बुक वैल्यू पे और हाँ इन दोनों पे अगर कोई भी रिवैल्यूएशन इफेक्ट दिया हुआ है वो आपको रिमूव करना है, चाहे फिर वो आपने कभी भी दिया हो। ये आने के बाद हम अपना दूसरा लेते हैं रीडेवलपमेंट राइट। रीडेवलपमेंट राइट क्या होता है, जो इंडिविजुअल या HUF है अगर वो ट्रांसफ़र करते हैं अपनी लैंड या वहाँ पे रीडेवलपमेंट करने के लिए तो उनको टैक्सेबल होगा जब उनको कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिलेगा किसको, डेवलपर को। उसके बाद थोड़े से अदर प्रोविजन है, जैसे पार्टनर अगर पार्टनरशिप को फर्म को ट्रांसफर करता है तो बुक वैल्यू ही हम उसकी सेल कंसीडरेशन मानेंगे। पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनर को ट्रांसफर करती है तो फेयर मार्केट वैल्यू ली जाएगी। इसके अलावा अगर डीमेट फॉर्म पे अगर आपकी सिक्योरिटीज है तो हम उन्हें फीफो मेथड फॉलो करेंगे जब से आपने उन्हें डीमेट करवाया है। इसके अलावा हम एक और बात बता देते हैं कि फेयर मार्केट वैल्यू जो 1/4/2001 को है और जो कॉस्ट है हमें उन दोनों का हायर अमाउंट लेना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए। अब बात करते हैं हम डिडक्शन की, तो सबसे पहले डिडक्शन जो है वो है सेक्शन 54 का। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि ये मैं सारी नहीं बढ़ाने वाला हूँ, बट आप ये समराइज टेबल है इसमें आप देख सकते हो फटाफट से। जैसे अगर आप कोई भी क्या आपको ट्रांसफर करना है, यानी कि सेक्शन 54 आपने क्या ट्रांसफर किया, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर किया, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी SHG कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल HUF, कैपिटल एसेट होनी चाहिए लॉन्ग टर्म, और आपके पास टाइम में कितना है, 1 ईयर 2 ईयर, ये है ये है बिफोर का, ठीक है, और ये है परचेज का और ये है कंस्ट्रक्शन का। परचेज के अंदर आप 1 ईयर बिफोर या 2 ईयर आफ्टर कर सकते हो और 3 ईयर आफ्टर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। क्या CDS अवेलेबल है, हाँ, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम। लॉकिन कितना लगेगा, जो भी आपने एसेट एक्वायर किया उसे आप 3 साल तक बेच नहीं सकते, 3 साल तक अगर आप बेचते हो तो आपको जो आपने डिडक्शन लिया है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, वो भी आपका कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर से रिड्यूस कर लिया जाएगा। उसी तरीके से हम एग्रीकल्चर लैंड जो कि रूरल एरिया वैसे भी एग्जम्प्ट है, जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है अगर उसको आप वापस से अर्बन एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर करते हो, आपने वो सेल किया, आपने वापस से अर्बन एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर किया, कोई भी इंडिविजुअल HUF जो कि 2 साल के अंदर अंदर अगर वो करता है तो उसे जो है 54B में डिडक्शन मिल जाएगी। इसी तरीके से आप समराइज टेबल से फटाफट फटाफट सारे डिडक्शन पढ़ सकते हो, ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
कुछ एग्जम्पशंस है 1037 जो कि आप जानते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की है, और 1037A लैंड पुलिंग, सॉरी 1037 है वो क्या बोलते हैं उसे, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम की, ठीक है, जिसकी भी एक बार आप देख लेना, मैं भूल गया। लैंड पुलिंग स्कीम जिसमें अमरावती में, अगर आप आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है अमरावती, उसमें अगर आप लैंड पुलिंग स्कीम में अपनी लैंड ट्रांसफ़र करते हो तो वो भी 1037A में एग्जम्प्ट है। रेट ऑफ टैक्स 10%, 15%, 20% एंड स्लेब रेट। 10% लगती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसमें शेयर, म्यूचुअल फंड या यूनिट जहाँ पे आपने STT ऑन सेल पे किया है, और शेयर्स पे आपको परचेज पे भी पे करना है। अगर यही सिचुएशन आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में रहती है तो आपको 15% का रेट ऑफ टैक्स लगेगा, 20% एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और स्लेव रेट अगर आपको लगेगी जहाँ पे एनी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो थैंक यू वेरी मच, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। 10 मिनट में हो गया है, या मैं कहूँ 11 मिनट में हमने पूरा कैपिटल गेन रिवाइज कर लिया है। ये हर एक स्टूडेंट जो कि इनकम टैक्स पढ़ना चाहता है उनके लिए है। दूसरी बात मैं बता देता हूँ कि ये कंप्लीट लेक्चर्स नहीं है, जब तक आपने कंप्लीट कोर्स नहीं किया हुआ है, कम्प्लीटली आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई है, आपको ये समझ में नहीं आने वाला है। ये केवल उनके लिए है जो कि एग्ज़ाम के एक घंटे पहले फटाफट से रिवाइज करना चाहते हैं। और दूसरी बात, इसमें मैं कुछ मिस्टेक्स कर सकता हूँ, तो प्लीज़ अगर कोई भी मिस्टेक है कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में सुपर लिख करके मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं PGPP और अन्य चैप्टर्स के लिए भी इसी तरीके से फास्ट वीडियो बना सकूँ। तो थैंक यू वेरी मच, गुड डे, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।